सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज की वीडियो एकदम खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीईएस के अंदर जो जो एक्टिविटीज कर रहा है सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स के बारे में और फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने बहुत सारे व्यूज दिए हैं ऑडियंस के सामने। और बहुत सारी ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही है कि और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिवाइसेज हमें देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से इसी सीईएस 2020 के अंदर, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जो कि हो रहा है वेगास के अंदर। और साथ ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी होने वाला है फरवरी के महीने में, तो देखते हैं कि उसके अंदर सैमसंग क्या करता है। तो अब हम आज की इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं सीईएस के अंदर सैमसंग क्या कर रहा है मेनली। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करते हैं हम सैमसंग की, तो सैमसंग ने अपना दबदबा लगभग बना रखा है सीईएस के अंदर। उसने बहुत सारे एक से एक बेहतरीन तरीके से अपने डिवाइसेस को लॉन्च किया है और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है और उससे पहले कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटर ने ये ट्राई नहीं की है। यानी कि एक नए फील्ड के अंदर उन्होंने पैर रखा है और साथ ही में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की है जो कि आपको, मुझे और सभी को बहुत पसंद आने वाली है और जो हमारी लाइफ को और भी ईजी बना देती है। तो शुरुआत करते हैं सैमसंग सीईएस की कुछ खबरों से। तो जो बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग ने अपना 8K टीवी लॉन्च कर दिया है जो कि ऑलमोस्ट जीरो बेजल है, जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी बेजल देखने को नहीं मिलती है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। और अगर बात करते हैं सैमसंग की कुछ अपडेट्स की जो सीईएस के अंदर डिवाइसेज उन्होंने लॉन्च किए हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले उनके टीवी से। तो 8K टीवी लॉन्च किया है सैमसंग ने इसी सीईएस 2020 के अंदर और वो लगभग जीरो बेजल्स है, यानी कि ऑलमोस्ट उसके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई भी बेजल्स देखने को नहीं मिलती है टीवी के अंदर। साथ ही में अगर बात करते हैं फोन लाइनअप की, यानी कि स्मार्टफोन लाइनअप की, तो स्मार्टफोन के अंदर भी बहुत सारे स्मार्टफोन पहले से जो कि प्री प्लान्ड थे वो रिवील किए हैं सैमसंग ने। तो अगर बात करते हैं हम उनके नोट सीरीज की, तो नोट 10 लाइट को भी रिवील किया है इसी सीईएस के अंदर सैमसंग ने और साथ ही में अपने S10 लाइट को भी रिवील किया है। तो देखते हैं कि ये क्या बजट स्मार्टफोन हो सकते हैं, क्या बहुत सारी ऑडियंस बहुत सारे यूजर्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं और इंडियन मार्केट में ये कब तक आते हैं, तो ये एक दिखने लायक बात है। और साथ ही में जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी प्राइवेसी को लेकर के जो बात की थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी और इसी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने अपना द सैमसंग पास लॉन्च किया है। इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट पर, बहुत सारी एप्स पर और आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और साथ ही में सैमसंग ने यह भी बताया है कि किसी भी थर्ड पार्टी को आज तक सैमसंग ने लीगली कभी भी डाटा नहीं दिया है, यानी कि प्राइवेसी पे थोड़ा बहुत ध्यान अब से और लगाया जाएगा और इसी सैमसंग पास की मदद से आपकी प्राइवेसी और ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है। तो देखते हैं कि ये सैमसंग पास कब से काम करेगा, यानी कि कब से इसके हमें लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेंगे, साथ ही कब से इसकी प्राइवेसी बढ़ने वाली है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारी कंपनीज अब आगे निकल के आ रही है और अपना काम कर रही है प्राइवेसी के फील्ड में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया है आज के दिन में, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल जो डाटा है हमारा वो लॉस्ट हो रहा है इसी प्राइवेसी के चलते। और साथ ही में अगर बात करते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज की जो निकल के सामने आ रही है सैमसंग बैली के लॉन्च को लेकर के, तो सैमसंग ने अपना रिवील किया है सैमसंग बैली स्मार्ट असिस्टेंट स्मार्ट रोबोट जो कि एक बॉल शेप के अंदर आपको दिखाई देगा और उसके अंदर हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे और साथ ही में ये आपको फॉलो करने वाला है आपके स्मार्ट होम के अंदर, यानी कि आपकी कमांड्स के ऊपर काम करने वाला है। साथ ही में अगर आप इधर उधर जाओगे तो ये आपके साथ ही आने वाला है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे ये टेक्नोलॉजी काफी कमाल लगी और साथ ही में इसके अंदर एक कैमरा भी बिल्ट इन अवेलेबल है। अगर आप घर के अंदर नहीं हो, आप बाहर हो, तो ये आपको वीडियो भी दिखाएगा आपके घर की और साथ ही में ये आपके स्मार्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होकर बहुत ही स्मार्टली काम करेगा और ये आपके स्मार्ट होम के अंदर चार चांद लगा देगा। और साथ ही में अगर बात करते हैं हम इसके साइज की, तो ये लगभग एक टेनिस बॉल के साइज का है, यानी कि ज्यादा बड़े साइज का नहीं है और शेप भी इसकी बॉल टाइप में ही है। और अगर बात करते हैं हम इसकी एबिलिटी की, तो ये रोल करते हुए आपके पास आता है जैसे कि एक बॉल आती है और ये आपकी कमांड के ऊपर बहुत ही आसानी से काम करता है। और अगर बात करते हैं हम इसी बॉल की, जिसका नाम है बैली, जो कि स्मार्ट असिस्टेंट होने वाला है, साथ ही में आपके बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत आसान करने वाला है। तो अगर बात करते हैं लॉन्चिंग के टाइम पे इसको किस तरह से लॉन्च किया गया था, तो जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उन्होंने स्टेज पे इसको रिवील किया था और वो लेकर के आए थे इसी बैले नाम के
असिस्टेंट को या फिर कहा जाए रोबोट को, जो कि बॉल शेप में है और लगभग इसका साइज टेनिस बॉल के जितना ही है, तो वो लेकर के आए थे सबसे पहले इसको स्टेज पर। सबसे पहले वो आए, उसके बाद इन्होंने इस डिवाइस को बुलाया और वो बॉल रोल करते हुए आई धीरे धीरे स्टेज पर, और फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इसकी लेटेस्ट स्पेक्स काम करती है, कैसे ये हमें फॉलो करती है, कैसे ये हमारी कमांड्स के हिसाब से काम करती है। साथ ही में उन्होंने अपने हाथ में लेकर भी उसे बताया कि किस तरह से हम जब उसको कमांड के हिसाब से एक्टिवेट करते हैं और बुलाते हैं। उन्होंने कहा कम हेयर बैले और वो उनके हाथ में आ गई और बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से वो काम करती है और आपकी कमांड पर बिल्कुल ही आसानी से काम करती है। और हमने बहुत सारे आज तक वर्चुअल असिस्टेंट देखे हैं, होम असिस्टेंट देखे हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही में उम्मीदें लगाई जा रही है कि सैमसंग CES के अंदर अपने और भी कमाल कमाल के डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है, साथ ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर भी अपने बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है। तो देखते हैं कि कितना प्राइवेसी पर ध्यान देता है आगे सैमसंग, और साथ ही में देखते हैं कि 5G पर कितना फोकस करता है, AI पर कितना फोकस करता है, और साथ ही में जो ये रोबोटिक्स के मामले में वर्चुअल असिस्टेंट और रोबोटिक्स को मिला करके एक तरह से आपका असिस्टेंट बनाया गया जो आपको फॉलो करता है आपके स्मार्ट होम के अंदर और आपके बहुत सारे काम को आसान कर देता है, इसके अंदर भी कितना फोकस कर पाता है सैमसंग आने वाले फ्यूचर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक अपडेट्स और टेक न्यूज़ और साथ ही में नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ।